एक तरफ भांजी ने मामी के साथ लिए सात फेरे, दूसरी तरफ सामने आया इस अनोखी शादी का एक ऐसा सच कि जानने वालों ने पकड़ लिया अपना माथा। मामी भांजी दोनों के पतियों के पैरों तले खिसक गई जमीन। एक की पत्नी बनी थी दूल्हा, दूसरे की पत्नी बनी थी दुल्हनिया। वायरल हो गया इस अनोखी शादी का वीडियो। भांजी को सगी मामी से हो गया प्यार। 3 साल तक चलता रहा रोमांस, जब परवान चढ़ने लगा प्यार तो मंदिर में दोनों ने सबके सामने रचा ली शादी। कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब दो लोगों को प्यार हो जाता है तो वो जाति धर्म मजहब सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ सालों पहले लोग इंटरकास्ट मैरिज करने से डरते थे। कई प्रेम कहानियां समाज के डर से पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब इंटरकास्ट तो छोड़िए, सेम जेंडर शादियां हो रही हैं। लड़कियों को लड़की से प्यार हो रहा है, मर्द मर्द से शादी कर रहे हैं। अब तो इन रिश्तों में खून के रिश्ते भी बंधक नहीं बन रहे हैं। तभी तो गोपालगंज में एक मामी ने अपनी ही भांजी से शादी कर सबको हैरान कर दिया। बता दें कि कुचायकोट के बेलवा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे वहां के एक मंदिर में शूट किया गया है। इस वीडियो में दो महिलाओं को शादी करते देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको इनके बीच का रिश्ता बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में ये दोनों महिलाएं मामी भांजी हैं। जी हाँ, मामी और भांजी को आपस में प्यार हो गया और 3 साल रोमांस के बाद उन्होंने आखिरकार शादी कर ली। ये मामला आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर में शादी के बाद मामी भांजी ने अपने रिश्तों का खुलासा किया। शादी के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी देखती बन रही थी। साफ झलक रही थी। इस रिश्ते की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब बेलवा गांव की शोभा कुमारी ने अपनी भांजी सुमन को देखा। एक ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। इसके बाद भांजी आए दिन अपने मामा के घर जाती रहती थी। सुमन की शादी के बाद भी उसका अपनी मामी के घर जाना कम नहीं हुआ, लेकिन किसी को भी इस रिश्ते पर शक नहीं हुआ था। ये प्रेम प्रसंग 3 साल चला और अब जाकर उन्होंने शादी कर ली है। 12 अगस्त को इस जोड़े ने दुर्गा मंदिर में शादी कर ली। इस दौरान मंदिर में कई लोग जुटे थे। शादी के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी छाई रही और उन दोनों ने कहा कि वो जिंदगी भर एक साथ रहेंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सारी बातें मामी भांजी ने कही है, लेकिन अब इसका एक और पहलू है जो जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल इस शादी के बाद जब इनके पतियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर लोगों को शक हुआ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ऐसे में जांच पड़ताल की गई तो एक प्रतिष्ठित चैनल की जांच में ये बात सामने आई कि ये दोनों ही महिलाएं, जो कि एक मामी और एक भांजी हैं, दोनों ही सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए अक्सर ऐसी शादियां करती रहती हैं। यानी ये शादी भी उनकी पिछले कई शादियों की तरह फर्जी है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों का ही सोशल मीडिया पर अकाउंट है और इस तरह से वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें करती रहती हैं और ये शादी भी उनकी इस हरकत का एक हिस्सा है। वेल दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इस तरह से रिश्तों को शर्मसार करने वाला या फिर लोगों की सोच से परे कल्पनाओं को अंजाम देने के इस तरीके को आप कैसे देखते हैं? क्या आप इसे गलत मानते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।